त्यांना लाठीचार्ज करा पाठीमागच्या लोकांना, इतका मारा का त्यांची कानाची हड्डी तुटून जाईल. हे पोलीसवाले, त्यांना लाठीचार्ज करा पाठीमागच्या लोकांना, इतका मारा का त्यांची कानाची हड्डी तुटून जाईल. महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है. अब इसी बीच महाराष्ट्र के ही बीजेपी के गठबंधन की सरकार के एक मंत्री का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसे बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है. वायरल वीडियो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार का है, जहां उनके जन्मदिन का जश्न चल रहा था. लेकिन अचानक अब्दुल सत्तार ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं आखिर क्यों विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार बुधवार देर रात अपना जन्मदिन मना रहे थे. जन्मदिन समारोह में लोकप्रिय लावड़ी नर्तकी गौतमी पाटिल ने अपनी मंडली के साथ नृत्य पेश किया. लेकिन इस दौरान समारोह में आए मेहमानों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद मंत्री महोदय ने अपना आपा खोते हुए माइक पर चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर सभी चौंक गए. इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनता भी हैरान है. दरअसल घटना के वीडियो में मंत्री अपने बाजू चढ़ाते हुए चिल्ला रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि उन्हें कुत्तों की तरह मारो, पीछे ले जाकर लोगों पर लाठी चलाओ, इतना पीटो कि उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाए, लोगों को कुत्ते की तरह मारो, उनकी कमर तोड़ दो. पुलिस वाले, लाठी चार्ज करा पाठीमागच्या लोकांना, इतका मारा का त्यांची कानाची हड्डी तुटून जाईल. मंत्री ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम आपको उनका बयान भी नहीं सुना सकते हैं. अब मंत्री के इस आदेश पर हंगामा बढ़ गया है. विपक्ष के नेता शिवसेना यूबीटी के अंबा दास दानवे ने अब्दुल सत्तार के इस बयान की आलोचना की है. उन्होंने कहा, सत्तार ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनकी संस्कृति के मुताबिक ही है. इसे राज्य में सत्तार और शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती है. वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने इस पर सवाल किया है कि सत्तार मंत्री है या गुंडे, और क्या सीएम शिंदे अपनी अहंकारी सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि सत्तार ने पुलिस को आदेश दिया कि इन लोगों को कुत्ते की तरह मारो, उनकी कमर तोड़ दो, और जब आप 50,000 लोगों को नहीं मार सकते तो 1,000 पुलिस वाले होने का क्या मतलब है. कांग्रेस नेता ने कहा, सत्तार मंत्री बनने के लायक ही नहीं है. वहीं जब हंगामा बढ़ गया तो सत्तार ने गुरुवार शाम को अपने शब्दों और भाषा के चयन के लिए खेद जताया और दावा किया कि हालत काबू से बाहर हो रहे थे. बीजेपी गठबंधन सरकार के मंत्री ने खेद तो जताया है, लेकिन चुनावी मौसम में ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है. तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर. आज की खबर में बस इतना ही. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.